हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे कुकिंग चैनल में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही डिलीशियस मैंगो केक की रेसिपी। ये सुपर सॉफ्ट मैंगो केक बिना किसी ओवन के मदद से बनाएंगे और ये टेस्टी मैंगो केक बनाना बहुत ही आसान है। तो देर किस बात की फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंगो केक बनाने के लिए पहले हम दो मैंगो ले लेंगे। मैंगो को अच्छे से पील अप कर लेना है। फिर हम मैंगो को रफली चॉप कर लेंगे। अब हम मैंगो को ब्लेंड कर लेंगे। मैंगो को हम अच्छे से ब्लेंड करके मैंगो का पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब हम बैटर तैयार कर लेते हैं। बैटर बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बॉल में एक कप ऑयल ले लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे पाउडर शुगर। हमने यहाँ 2 कप शुगर लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर को कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मैंगो का पेस्ट जो हमने पहले से ही तैयार करके रखा था। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 कप मैदा। मैदा को हम अच्छे से छान लेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 कप मिल्क। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। अब हम एक केक टिन ले लेंगे। पहले हम केक टिन को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। हमने यहाँ पर बटर पेपर का यूज़ नहीं किया है, इसलिए हमने यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैदा का यूज़ किया है। इस तरीके से हम केक टिन में एक मैदा का लेयर बना लेंगे। अब हम बैटर को केक टिन में डाल लेंगे। केक को हम एक पतीले में बेक करेंगे। पतीले में हम थोड़ा सा नमक फैला लेंगे। फिर हम पतीले में स्टैंड लगा लेंगे। अब हम केक को बेक करने के लिए पतीले में केक टिन को रख देंगे। फिर हम इसे अच्छे से ढक देंगे। केक को 30 से 40 मिनट तक हम बेक कर लेंगे। गैस का फ्लेम लो मीडियम रखना है। 40 मिनट अब कंप्लीट हो चुकी है। अब हम केक को देख लेते हैं। अब हमारा मैंगो केक अच्छे से बेक हो चुकी है। नाइफ को डिप करके आप चेक कर सकते हैं केक बेक हुई है कि नहीं। अब हम केक टिन को निकाल लेंगे। केक बहुत ही अच्छे से बेक हो चुकी है। अब हम मैंगो केक को डीमोल्ड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं केक बहुत ही इजीली केक टिन से निकल चुकी है। केक बहुत ही मॉइस्ट बनी है, साथ ही साथ बहुत ही स्पॉन्जी भी बनी है। केक साइड से भी बहुत अच्छे से पक चुकी है। नेक्स्ट मैंगो पेस्ट की मदद से हमें मैंगो ग्लेज तैयार कर लेना है। इसके लिए हम एक पैन गरम करके मैंगो पेस्ट डाल देंगे। इसे हमें चलाते रहना है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून पाउडर शुगर डाल लेंगे। मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से। हम इसे मीडियम फ्लेम में 5 से 6 मिनट तक पका लेंगे। लगातार हम इसे चलाते रहेंगे वरना नीचे से जल जाएगा। अब हमारा मैंगो ग्लेज बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम केक के ऊपर मैंगो ग्लेज डाल के केक को डेकोरेट कर लेंगे। मैंगो ग्लेज को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे केक के ऊपर। ध्यान है कि मैंगो ग्लेज को ठंडा करके डालना है। अब हम मैंगो ग्लेज को अच्छे से प्लेन कर लेंगे केक के ऊपर। आप देख सकते हैं मैंगो ग्लेज का टेक्सचर बहुत ही स्मूथ आया है केक के ऊपर। अब हम इसे और भी अच्छे से डेकोरेट कर लेंगे। डेकोरेट करने के लिए हमने यहाँ पर बादाम का यूज़ किया। वाओ, आप देख सकते हैं केक बहुत ही अच्छे से डेकोरेट हुई है। केक को आप बहुत तरीक़ों से डेकोरेट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से केक को डेकोरेट कर लें। अब हमारा सुपर सॉफ्ट मैंगो केक बिल्कुल रेडी है। अब मैं केक को कट करके दिखाती हूँ। केक बहुत ही सॉफ्ट, डिलीशियस, साथ ही साथ बहुत ही टेस्टी भी बनी है। आप देख सकते हैं केक बहुत ही स्मूथली कट हुई है। ये इजी मैंगो केक की रेसिपी आप भी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। होप आपको ये मैंगो केक की रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। ऐसी रेसिपी वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।